हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृषि पॉडकार के एक और फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास फोर्ड की कोई भी कार्स है, जैसे कि अपने पास जो है ये फोर्ड की एस्पायर है, अगर आपके पास फोर्ड की फिगो, फ्री स्टाइल, एस्पायर या इकोस्पोर्ट है, तो उसके अंदर जो है आपकी कार का जो इंजन ऑयल का मैसेज शो होता है, उसको हम कैसे जो है रिसेट कर सकते हैं, यानी कि इंजन ऑयल लाइफ जो है वो कैसे रिसेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपनी कार रहती है उसके अंदर मैसेज जो है वो कौन सा शो होता है। तो फिलहाल जो है अगर आपकी कार नई वेरिएंट है, तो उसमें क्या है कि फोर्ड पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट रहती है। तो उसमें कैसा रहता है कि अगर आपकी ऑयल लाइफ जो है वो 5% हो जाती है, तो उसका मैसेज जो है यहाँ पर आपको शो करने लगता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैसेज आप देख सकते हो, ये मैसेज जो है चेंज इंजन ऑयल सून, ऐसा मैसेज जो है यहाँ पर आ रहा है। और अगर इसकी लाइफ जो है वो मतलब कि 1-2% हो जाती है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर चेंज इंजन ऑयल रिक्वायर्ड करके मैसेज आ जाता है। प्लस यहाँ पर जो है एक टूल्स का मार्क आता है, तो वो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये भी आप देख सकते हो, ये वाला मार्क भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उस वक्त जो है बेसिकली अपने पास दो टाइप से रहते हैं। तो अगर हम मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये अपनी ट्रिप वाला जो टॉगल रहता है उससे अगर हम यहाँ पर ऑयल लाइफ रहती है, आपको दिखाता हूँ, ये रही अपनी ऑयल लाइफ। तो यहाँ से अगर हम इसको प्रेस कर रखते हैं तो ये रिसेट हो जाता है। तो वो तभी रिसेट होगा जब इसके अंदर जो है ऑयल लाइफ की जो मैसेज है 1% या 2% हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि जो इसका इंजन ऑयल है उसको आपको अभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो तभी जो है ये ऑयल लाइफ जो है वो रिसेट होगा। मैं अगर फिलहाल अभी आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने प्रेस करके रखा और अभी आप देखो ये जो है अभी रिसेट डन हो गया है, ये आप देख सकते हो। अभी मैं एक बार इसको ऑफ करके ऑन करूँगा तो भी जो है यहाँ पर रिसेट जो है वो कम्प्लीट नहीं होगा। आप देखना यहाँ पर मैसेज जो है फिर से आ जाएगा, ये आप देख सकते हो चेंज इंजन ऑयल सून। तो अगर आपकी कार के अंदर भी इस टाइप के मैसेज आ रहा है तो हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए जो है आपका ये वाला टॉगल से नहीं होगा, उसको आपको जो है मैन्युअली आपका जो ये इंजन ऑयल का मैसेज है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी उसको कैसे क्लियर करें वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर ये पैडल है, ये वाली ब्रेक और ये एक्सीलेटर, तो आपको जो है इसको दोनों को जो है 15 से 20 सेकंड के लिए कम से कम आपको इतना प्रेस कर रखना है, साथ ही में आपको प्रेस करना है तो यहाँ पर जो ये मैसेज है वो चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिसेट करना है। यहाँ पर चेंज इंजन ऑयल सून का मैसेज आ रहा है। मैंने यहाँ पर कोई भी OBD टूल जो है वो कनेक्ट नहीं किया, और ये जो ब्रेक और एक्सीलेटर है इसको हमें साथ ही में इसको हमें दोनों को प्रेस करना है 15 से 20 सेकंड के लिए। तो ये अभी मैंने प्रेस करा हुआ है और यहाँ पर जो ये मैसेज का है वो अपने आप जो है यहाँ से चला जाएगा। आपको इसके लिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो है ये मैसेज अपने आप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैसेज जो है यहाँ से चला गया है, यानी कि अपनी जो ऑयल लाइफ है वो बेसिकली रिसेट हो चुकी है, आपके सामने ही है। मैंने यहाँ पर कोई भी OBD टूल कनेक्ट नहीं किया, प्लस वीडियो को भी पॉज नहीं किया। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ही जो कार है उसको पूरा शट डाउन कर देना है, और उसके बाद जो है आपको इसको ऑन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका ऑयल लाइफ का मैसेज आ रहा था वो चला गया है, यानी कि अपना जो ऑयल लाइफ है वो रिसेट हो गया है। तो अभी जो है अपना कार का जो ऑयल लाइफ है वो रिसेट हो गया है। अगर मैं एक बार और फिर से कर दिखाऊँ, तो आपको जो है एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको ऑयल लाइफ रिसेट करते हो तो उस वक्त आपका जो इग्निशन है इसको आपको एक बार बंद कर देना है, और उसके बाद जो है आपको चालू करना है। जैसे अभी मैंने इसको रिसेट कर दिया, आपने वीडियो में आगे देखा। अभी मैं अगर आपको फिर से अगर दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैं इसको इग्निशन ऑन किया और यहाँ पर जो है कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ये तो जो है अपना स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, और फुल एक्सेसरी पावर मोड आ रहा है। यहाँ पर कोई भी जो है आप देख सकते हो ऑयल लाइफ का मैसेज जो है जो शो हो रहा था वो रिसेट हो गया है। और इवन जो इसकी फोर्ड पास एप्लीकेशन है उसके अंदर भी मैं आपको साइड पर आप
मैं फ़ोटो जो है वो लगा दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो जो अब इसकी ऑयल लाइफ है वो 100% हो गई है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।